इसके बाद ब्लू ओके ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओम नमः शिवाय मस्त लाइफ केयर DMIT एंड मिड ब्रेन में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग UD कॉन्वेंट स्कूल के अंदर हैं और यहाँ पर दो क्लासेस चलती हैं, एक क्लासेस यहाँ पर पहले से है और सेकंड बैच यहाँ पर 20 तारीख से और स्टार्ट होने वाला है। सो यहाँ पर बच्चों के मेरिकल रिजल्ट हैं, ऐसे रिजल्ट आपने लाइव में शायद ही कहीं देखे हों। बच्चे DMIT के जरिए सो मैनी बेनिफिट्स मल्टीपल एट इंटेलिजेंसी को जान पाते हैं और उसके बाद में बच्चे की वीकनेस स्ट्रेंथ लर्निंग पैटर्न ये सारी चीज़ के साथ साथ बच्चे का ये यहाँ पे मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लासेस होती हैं जिसमें 30 से 40 तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे कराई जाती हैं। कुछ क्लासेस के जरिए होता क्या है, बच्चे ब्लाइंड फॉलो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, कलर को पहचान पाते हैं, बुक रीड कर पाते हैं। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट्स आज हम देखें तो उनका इंट्रोडक्शन हम जानेंगे और बहुत ही शानदार इनका रिजल्ट है और बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी है। आप देखेंगे नन्हे प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे को, तो आप अपने बारे में बताएं। माय नेम इज़ सिद्धांत गुप्ता, माय फादर्स नेम इज़ मिस्टर आशीष कुमार गुप्ता, माय मदर्स नेम इज़ मिसेस मेघा गुप्ता, आई एम रीड इन क्लास 4th। माय स्कूल नेम इज़ UD कॉन्वेंट स्कूल फतेहाबाद। फतेहाबाद, वेरी गुड वेरी गुड। सो ये स्टूडेंट्स बाकी आपने कई और वीडियो इनकी देखी होंगी, ये ऑप्टिकल पहचान पाते हैं, बुक रीड कर पाते हैं, लेकिन साथ में आज और एक अच्छी चीज़ जानने वाले हो कि ये स्केटिंग करने वाले हैं। सो स्केटिंग करके आपके सामने कुछ चीज़ों को पहचानेंगे ब्लाइंड फॉलो। मैं आपके सामने ये पकड़ेंगे बेटा, मैं आपके सामने ये पकड़ो इसको, मैं ब्लाइंड फॉलो है इनके आँखों से मैं ये पट्टी बांधता हूँ। वैसे इसमें कुछ नहीं दिखता, जब हम कॉटन लग जाती है तो देखने के चांस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। और यहाँ मैं आपके सामने ये ब्लाइंड फॉलो बांधने जा रहा हूँ बच्चे को। सो आप ये देखिए, ये आपके सामने स्केटिंग करेंगे। अभी हमने कुछ कलर्स इनके सामने रखेंगे, कुछ कॉन्स इनके सामने रखेंगे, वो उनको पहचान के उनको बताएंगे। सो अभी उसके बाद हम चाहेंगे कि ये बच्चे का आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से हमने ब्लाइंड अच्छे से हमने पट्टी को बांधा है, अंदर कॉटन लगाई है, नीचे से कॉटन लगाई है, हर तरीके से चेक करते हुए अब हम थोड़ा सा देखते हैं। बिल्कुल कौन लेकर के आए, कलर लेकर के आए। हाँ लवली, यहाँ पे बीच में कलर रखिएगा। आओ सब लोग देखो, आ जाओ तुम, आ जाओ दूर दूर गैप से रखो। और कोई कलर नहीं है? हाँ रखो गैप जिसमें आराम से वो स्केटिंग कर पाएँ। हाँ और गैप रखें, गुड। और येलो के ऊपर येलो, रेड के ऊपर रेड, ये सी रख दो। सो हमने ये कुछ ऑप्टिकल है, कुछ कलर्स हैं वो हमने आपके साथ रखे हैं। बच्चे की आंखों से पहले ही हमने पट्टी बांध दी थी जिससे बच्चा देख ना पाए। अब इसमें बीच में हम चेंज भी करेंगे और हमारे साथ मैडम जी हैं जो दिल्ली से हैं, वो खुद बच्चे से बोलेंगे कौन सा कलर है और उस कलर को हम बच्चे को उठाएंगे। सो मैम आए इधर, आप देखिएगा बच्चे का पहले से ब्लाइंड अच्छे से पट्टी बांधी हुई है और यहाँ पर आप आए थोड़ा सा। दिल्ली से हैं मैडम और इनसे बच्चे से बोलेंगे कि वो कलर अपने स्केटिंग के जरिए बताएगा कि कौन सा कलर इसमें से उठाना है। हाँ। लाल वाला कलर इसमें से उठाना है। ओह वेरी गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये उन्होंने रेड कलर उठाया है, चलिए मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। और दूसरा अब इसके बाद ब्लू ओके ये बच्चे ब्लू कलर, मैं थोड़ा सा चेंजिंग मैट करता हूँ। आदित्य जी इसमें कुछ भी आप अपने साथ से चेंजिंग कर लीजिएगा, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है फिर से आप चेंजिंग कराएंगे।
चेंज कर दो और इसको पूरा और मैं मैडम पूछो इनको कोई और दूसरा कलर इसमें से उठवाते हैं। अच्छा ऑरेंज वाला ऑरेंज क्या ओ हो वाह 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया स्कैटिंग करके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया खुली आंखों से वो चीज नहीं कर पाते जो बंद आंखों से स्कैटिंग के साथ कर रहे हैं। आप बेटे इसमें आपने आठ आठ ऐसे रिंग आपने बनानी है इसके साथ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या इसको okay. बीच में से ऐसे क्रॉस करके निकल सकते हैं टांग के बीच से निकाल सकते हैं सारे कपड़ों को। यस सर। चलिए हम एक और एक्सरसाइज देखते हैं बच्चा ये दोनों टांग के बीच से ये क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और कुछ पूछना चाहिए इसमें से आशीष सर आठ क्रॉस इसमें से चेंज करते हैं चलिए इसमें से आपको जिग-जैग करके निकालो जिग-जैग करके निकालो यहाँ से स्टार्ट करो रेड करके हाँ ये स्टार्ट करते हुए आइए सबके बीच में से क्रॉस करके निकलना है ओके 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 क्या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया आप देख सकते हैं स्केटिंग कर रहे हैं आपको सिर्फ पट्टी पार की है तो बहुत ही मजेदार लगता है। जब शुरुआत में हमारी पहले दिन मुलाकात हुई थी और हमने आशीष सर से बात की थी कि आशीष सर ऐसा कुछ होगा हाँ सर आपको आपको कैसा लग रहा है थोड़ा अपना रिव्यू बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एक्चुअल में थोड़ा सा मैंने टेलीविज़न पर इस चीज़ को देखा था और जब मेरी आपसे मुलाकात हुई तो मैं पहले से भी इसी के बारे में सोच रहा था कि ऐसा अगर कोई टीचर मुझे मिलेगा तो सिद्धांत मेरा बेटा है और मुझे काफ़ी प्राउड काफ़ी प्राउड फील हो रहा है इसके ऊपर और बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ को कर रहा है। और इसके बाद अभी तो ये इनकी स्टार्टिंग क्लास है इसके बाद भी सर ने मेरे को जानकारी दी है कि कई सारी क्लासेस इसमें होती हैं जिसमें बहुत सारे सेगमेंट आएंगे बहुत सारी माइंड की जो पावर है वो डेवलप होती है बच्चों की। क्या बात है बहुत बढ़िया आशीष सर और मैं भी बहुत अच्छा प्राउड फील कर रहा हूँ आपके स्कूल में आकर के पहली क्लासेस लगी थी आज उसके बाद मैं लगातार हमारे पास स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम उनको संभाल नहीं पा रहे हैं अगला बैच भी आपके यहाँ पहले से रेडी हो रहा है आज की क्लास में भी कितना हॉच पॉच हो गया मतलब इतनी ज़्यादा क्लासेस में स्टूडेंट आ गए। सो बहुत बहुत मुबारकबाद सर आपको बहुत दिल से शुक्रिया और ये सहयोग देने के लिए कि आप समाज में एक अच्छा आप योगदान दे रहे हो और यूटी कॉन्वेंट्स की सबसे पहली शुरुआत है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल चलिए ओके सर थैंक यू वेरी मच।